महीनों से दूसरे लड़के से उसके संबंध हो गए और उसने आशीष को छोड़ दिया। आशीष के तरफ से दबाव था। इस मामले में लड़की 2 दिन पहले ही पटना से यहाँ आई थी और उस लड़के से विवाद भी हुआ था। उसी के प्रतिक्रिया में आशीष ने गोली मारी है, नज़दीक से गोली मारी है, 6 व्यक्तियों को गोली मारी है, जिसमें 2 की मृत्यु हुई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के लखीसराय जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह एक तरफ जहां लखीसराय का एक परिवार छठ पूजा करके घर वापस लौटा तो अचानक से उनके परिवार वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। अब मामला इसमें निकलकर सामने आ रहा है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। दरअसल जिस घर में ये घटना हुई है उस घर में एक लड़की, दुर्गा नाम की लड़की है, जिसका अपने ही आप पड़ोसी वाले लड़के आशीष चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग का मामला 3 सालों से चल रहा था। आशीष दुर्गा से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया तो आशीष ने आज ये बड़ा कदम उठाया और उसके परिवार वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें से 6 लोगों पर गोलियां चलाई गई और 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है, चलिए हम आपको उनकी बातों को सुनवा। आज सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में पंजाबी मोहल्ला में, जो कवैया ओपी अंतर्गत आता है, दुर्गा झा के परिवार के साथ गोलीबारी की घटना हुई। इस गोलीबारी में 6 आदमी जख्मी हुए, जिसमें 2 की मृत्यु हुई। 3 जख्मी को पीएमसीएच रेफर किया गया है। एक का स्थानीय सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गोली मारने की घटना आशीष चौधरी के द्वारा की गई है। आशीष चौधरी जिस लड़की से 4-5 साल पहले शादी किया था, जो इस मामले में जख्मी है, जिसका इलाज आरंभिक इलाज यहाँ हुआ और पटना रेफर किया गया। वह विगत कुछ महीनों से दूसरे लड़के से उसके संबंध हो गए और उसने आशीष को छोड़ दिया। आशीष के तरफ से दबाव था। इस मामले में लड़की 2 दिन पहले ही पटना से यहाँ आई थी और उस लड़के से विवाद भी हुआ था। उसी के प्रतिक्रिया में आशीष ने गोली मारी है, नज़दीक से गोली मारी है, 6 व्यक्तियों को गोली मारी है, जिसमें 2 की मृत्यु हुई है और 4 इलाजरत। पुलिस के द्वारा सबसे पहले तो लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस अपना कार्य कर रही है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना में प्रयुक्त एक हथियार को बरामद भी किया गया। सभी थानों की पुलिस इसमें लगी हुई है। शीघ्र ही आशीष की गिरफ्तारी होगी। पुलिस का सहयोग करें, ये हमारी अपील।